और इधर तालिबान ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के मास्टरमाइंड को उसामा बिन लादेन की पैरवी की है। तालिबान ने सवाल उठाते हुए कहा है कि 9/11 हमले के वक्त उसामा अफगानिस्तान में था तो उसके फिर गुनहगार साबित होने के सबूत क्यों नहीं मिले। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गुनहगारों को ओबामा प्रशासन में सजा मिली। हमले के मास्टरमाइंड आतंकी लादेन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिका के सील कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर मिशन को अंजाम दिया। वही लादेन तालिबान की नज़र में बेगुनाह लगता है। ये पहली बार नहीं जब तालिबान ने अपना आतंकी प्रेम जगजाहिर किया हो। सिर्फ नाम बदलते हैं और जगह बदलती है, लेकिन तालिबान की ये आतंकी विचारधारा कई बार देखने को मिल जाती है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि 20 साल गुजर गए हैं। अगर उसामा 9/11 हमले में शामिल था या उसका कोई रोल था तो अब तक उसके सबूत सामने क्यों नहीं आए। अफगानिस्तान पर जंग थोपी गई, उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई। NBC के नाइटली न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में तालिबान के इस नेता और प्रवक्ता ने उसामा को एक तरह से बेकसूर करार देने की कोशिश की है, पर अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले को गलत बताया है। तालिबान भले ही लादेन का बचाव करता रहा हो, लेकिन अमेरिका इन दलीलों को नहीं मानता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने तालिबान प्रवक्ता के इस बयान के फौरन बाद सबूतों के जरिए ये बताया कि 9/11 की साजिश लादेन नहीं रची थी। और काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद दक्षिण एशिया में भी आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS के दक्षिण एशिया और इसके बाद भारत तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। ये रिपोर्ट अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को हुए खुदाई हमले के बाद से पूरी दुनिया सहम गई है। काबुल एयरपोर्ट पर ISIS के आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के तमाम देश सुरक्षा के हालातों को लेकर चिंतित हैं। इस बीच दक्षिण एशिया में भी आतंकवाद का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल में हुए फिदायीन हमले के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि खूंखार आतंकी संगठन ISIS के आतंकी दक्षिण एशिया और उसके बाद भारत तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल ISISK को ISK यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान भी कहा जाता है। यह संगठन तालिबान और अलकायदा से भी कट्टर माना जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि ये ग्रुप जिहादी मानसिकता का विस्तार करना चाहता है। इसकी कोशिश है कि यह सेंट्रल एशिया और फिर भारत तक पहुंचे। इसकी मंशा युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने और फिर आतंकी हमले कराने की है। केरल और मुंबई के कुछ युवा पहले भी ISIS में शामिल हो चुके हैं। इस बीच इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ और युवाओं को बहकाया जा सकता है। खुफिया विभाग का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद आतंकी संगठनों को नई ताकत मिली है। अगर ये ग्रुप साजिश रचता है तो भारत में कुछ कट्टरपंथी या आतंकी संगठन फिर से सिर उठा सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।